ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। निगृह्य शत्रो अहमो वकाश क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्तया स एव संजीवन हेतुरस्य प्रक्षीण जंबो तरुरिबाम्बू। अर्थ देखें, इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर भी विषय चिंतन के द्वारा इसे फिर सिर उठाने का अवसर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनर्जीवन का कारण यह विषय चिंतन ही है। शंकराचार्य जी की बात को जो आपने पीछे पढ़ा था आगे बढ़ा रहे हैं। जिसको उन्होंने शत्रु करके एड्रेस किया, संबोधित किया शत्रु। समस्त दुखों का जो कारण है शत्रु का अर्थ जो आपको दुखी करे। शत्रु की परिभाषा है कि कोई भी आपको ऐसा चांस न दे जिससे आप दुखी न हो पाए, वो कोशिश करेगा। संस्कृत में सातनाथ शत्रु ऐसा बोलता है, जो काटे, जो दुखी करे, कोशिश करे हर तरह से, हर शारीरिक मानसिक हर एक स्तर में कोशिश करे कि जो दुख देने की कोशिश करता है उसको शत्रु बोलते हैं। ये जो अहंकार है, ईगो सेंस है, अहम बुद्धि है, इस अहम बुद्धि को किसी साधक ने प्रयत्न करके जीत लिया। समूल कृतोपि महान अयम पीछे पड़ा था, इसका किसी ने नाश कर भी दिया। तो शंकराचार्य सावधान करते हैं, आप जीत गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीत गए तो हमेशा के लिए आप उस अहंकार को पराजित कर दिया आपने। अब आपको और भी ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, दोबारा फिर जीवित हो सकता है। ऐसे बहुत से राक्षसों की स्टोरी पुराणों में भरी पड़ी है, जिनको मार दिया जाता था लेकिन किसी किसी वरदान के कारण, किसी दिव्य शक्ति के कारण फिर जीवित हो जाते थे। और फिर उसी तरह से शत्रुता शुरू कर देते थे। ऐसे ही ये जो शत्रु है, एक बार जीतने के बाद में भी हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी अवसर नहीं देना। क्वचिन्न अवसर अवकाश दिया, बिल्कुल भी इसको कोई अवसर नहीं देना चाहिए, कोई मौका नहीं देना चाहिए दोबारा जीवित होने के लिए।
अब यह है कि इसके जीवित होने का तरीका क्या है। एक बार आपने साधना की, स्टडी की, पढ़ा, समझा और आपने उसको पराजित कर दिया, साधक विजयी हो गया। लेकिन ये दोबारा जी सकता है, इसके द्वारा जीने का कारण क्या, तरीका क्या? तो शंकराचार्य जी यहां पर बताएं, विषयानुचिंतया महत्वपूर्ण बात यही है। महत्वपूर्ण बात है विषयानुचिंतया। विषयों के साथ रहते हैं या विषयों के बिना रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विषयों में रहते हैं या विषयों से छोड़ देते हैं विषयों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और विषयों को छोड़ना और पकड़ना वास्तव में वो सब हमारे प्रारब्ध के ऊपर है। हमारा प्रारब्ध उसमें कारण बनता है, आप छोड़ नहीं सकते। तो विषयों के साथ रहना या विषयों के बिना रहना, यह पहली बात आपके हाथ में है, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप विषयों के साथ रहते हैं या विषयों के बिना रहते हैं। राजमहल में रहने वाला राजा भी वैरागी हो सकता है, विरक्त हो सकता है, साधक हो सकता है, और एक छोटी सी किसी झोपड़े में रहने वाला आसक्त हो सकता है। और विषयों को छोड़ने का हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं कि हम विषयों को छोड़ दें। हम विषयों को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारा शरीर भी एक विषय है, हमारा मन भी एक विषय है, हमारी बुद्धि भी एक विषय है, ऑब्जेक्ट। तो आप छोड़ेंगे क्या क्या छोड़ेंगे? यहां आपको गीता का एक श्लोक समझना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में बोला, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हुए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, विषय अंदर में कब आसक्ति पैदा करता है? विषय आसक्ति तब पैदा करता है जब विषयों का ध्यान करते हैं। विषयों का ध्यान करते भोजन, भोजन खाने के लिए होता है, पानी पीने के लिए होता है, घर रहने के लिए होता है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं उसका, ये अप्राकृतिक तरीका है। ये तरीका विषयों के लिए ठीक नहीं है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। विषयों को आप उपयोग करिए, ईश्वर ने आपके लिए बनाए हैं, आपके प्रारब्ध में है, आपके प्रारब्ध के कारण आपको विषय मिल रहे हैं। कोई भी विषय अपने आप में न पाप होता है न पुण्य होता है। सवाल है हम किस प्रकार से उस विषय के साथ अपने को जोड़ते हैं। जब कोई विषय बाहर में है, आप उस विषय का आनंद लीजिए, निश्चिंत होके लीजिए। विषय अपनी जगह है, अपने उपयोग के लिए है। उस विषय के कारण आपको किसी पाप और पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करना ना पाप है ना पुण्य। आपने यदि पानी पिया, उससे ना आपको पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। आप भोजन करेंगे ना उससे पाप होगा ना पुण्य होगा। आप किसी घर में रहेंगे ना उससे पाप होगा ना पुण्य होगा। कोई विषय पाप और पुण्य के प्रति कारण नहीं होता। पाप और पुण्य की परिभाषा
तब प्रारंभ होती है जब आप विषयों का जैसे उपयोग होना चाहिए वैसा न करके आप ध्यान करना शुरू करते हैं। ध्याय तो विषयान पुंस, उन विषयों का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करने के कारण आप विषय का उपयोग नहीं कर रहे हो। जब आप भोजन करते हो तो भोजन का ध्यान नहीं करते हो, भोजन का ध्यान तब करते हैं या तो भोजन करने के पहले या भोजन करने के बाद। जब आप भोजन करते हो तो ध्यान फिर तो कहीं और होता है आपका, विषम परिस्थिति है। जब हम भोजन करते हैं तब भोजन का ध्यान नहीं करते, जब भोजन नहीं करते तो भोजन का ध्यान करते, जब भोजन करते तो कहीं ध्यान और कहीं करते। ये बात आजकल तो आप बड़ी आसानी से समझते हो कि जब आप घर में होते तो व्हाट्सएप किसी बाहर को वाले को करते, जब आप इंडिया में होते हो तो बात आप हांगकांग सिंगापुर दूसरी जगह की करते हो, और जब वहां होते हो तो बात इंडिया की करते हो। जहां होते हो वहां नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है। यही तरीका व्यक्ति के मन में आसक्ति पैदा करता है। आप भोजन कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे, भूख लगी भोजन करिए, पुण्य कोई नहीं मिलेगा आपको, घर में रह रहे हैं कपड़े पहन रहे हैं उसे कोई न पाप है न पुण्य। इस प्रकार से आगे उसको पाप और पुण्य से ऊपर उठ करके जब उनका चिंतन करते हैं चिंतन करने के कारण आपको यही पर्टिकुलर भोजन चाहिए, बड़ा अच्छा बनाता वही घर चाहिए आपको। तो जब चिंतन शुरू होता है तब आसक्ति पैदा होती है। इसी को लिखा शंकराचार्य ने विषयानुचिंतया, विषय उपयोग के लिए बने हुए हैं लेकिन हमने थोड़ी भी गलती करके अनुचिंतया उन विषयों का ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान परमात्मा का करो, ईश्वर का ध्यान करो, अपने आप का ध्यान करो, विषयों का ध्यान नहीं। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति पैदा होगी, ईश्वर का ध्यान करने से भक्ति पैदा होगी। विषयानुचिंतया एक ही कारण है, तो बंधन के प्रति विषय कारण नहीं है कि आप विषयों को छोड़ देंगे और आप वैरागी बन जाएंगे, साधक हो जाएंगे, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शंकराचार्य बोलते हैं विषयानुचिंतया, विषयों का चिंतन करने के कारण विषयों का चिंतन करते करते वो आसक्ति पैदा होती है उस विषय के लिए, राग पैदा होता है और बस फिर आगे पतन के तरीके प्रारंभ हो जाएंगे। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, डिजायर पैदा हो जाएगी, यही मुझे चाहिए, यही कामात क्रोधो विजाय, फिर आगे की प्रक्रिया है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं जो साधक एडवांस हैं, जिन्होंने इस स्थिति तक अपने को पहुंचा दिया है, उन लोगों को चाहिए विषय का अनुचिंतन नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आपके आगे आ रहा है आप उस पर फोकस करो और आप आनंद लोगे, आप आनंद उठाओगे। अभी इसे कहीं ज्यादा, अभी जहां आनंद है वहां आप हो नहीं। घर अच्छा है तो आप दूर वाले घर को देख रहे हो, भोजन अच्छा है तो कहीं और सोच रहे हो, और अच्छा आनंद उठा सकते हो यदि विषय का अनुचिंतन छोड़ करके आप विषयों को उपयोग करिए। तो विषयों का अनुचिंतन क्या करता है, अवसर देता है, मौका देता है उस अहंकार को बढ़ने के लिए। संजीवन हेतु रस्य, शंकराचार्य जी बोलते हैं वही
क्या? विषयों का चिंतन। विषयों का चिंतन ही इस में इस अहंकार को बढ़ाने के प्रति कारण है, संजीवनी है, संजीवनी जीवन प्रदान कर देता है। इसीलिए उस साधक को जिसने अहंकार को जीता है उसको चाहिए कि विषयों का चिंतन न करे। फिर मैं स्पष्ट कर दूं, विषयों से घृणा नहीं है, लेकिन विषयों के लिए आपकी अप्रोच क्या है। विषयों का अनुचिंतन बंधन के प्रति कारण बन जाएगा और उससे फिर अहंकार, ईगो सेंस, तादात्म्य शरीर के साथ फिर खड़ा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। यहाँ एक दृष्टांत दिया है, जंबू तरो रिबांबू, जैसे कोई भी पेड़, यहाँ जंबू का दिया है, आप कोई भी पेड़ समझ लो जो लगभग सूख गया था, लगभग सूख गया, लेकिन उसमें पानी डाल दिया, धीरे धीरे फिर खड़ा हो जाएगा, फिर हरा भरा हो जाएगा। तो जैसे कोई लगभग सूखे हुए वृक्ष को पानी मिलने से फिर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से अहंकार, ईगो सेंस, शरीर का तादात्म्य, यह भी फिर खड़ा हो जाएगा यदि विषयों का चिंतन किया तो। इसलिए शंकराचार्य साधक को सावधान करते हैं विषयों का चिंतन नहीं करना। अगला मंत्र देखिए, देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणा कामयित कथम स्यात् अतोर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रशक्त्या भवबंध हेतु। अर्थ देखिए, जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है, जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसलिए भेदाशक्ति कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। तो अगला क्वेश्चन यह आएगा कि विषयों का चिंतन करते क्यों है, क्यों सवाल उठता है, विषयों का चिंतन करने का मतलब क्या, क्यों करते है? तो शंकराचार्य जी उस बात को यहां ले रहे हैं, भेदात देहात्मना संस्थित एव काम, काफी गहराई में, काफी शंकराचार्य जी बहुत इसके रूट में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में, ये केवल फिलोसॉफी नहीं है, ये केवल दर्शन नहीं है, ये साधना की विधि है, साधना का तरीका है। हर साधक को इसको जीना चाहिए। कहने लगे, क्यों उठती है, क्यों आप विषयों का ध्यान करते हैं? कारण देखिए, देहात्मना संस्थित एव कामी, कामी मतलब जो कामनाएं कर रहा, डिजायर्स, कामना करने वाला व्यक्ति यहां पर कामी बोला जाता है, जिसके अंदर में इच्छाएं हैं, इच्छाएं होती तो ही आप चिंतन करते हो। चिंतन ध्यायतो विषयानुपुंसा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप चिंतन करोगे, इच्छा करोगे, इच्छा करोगे, फिर ध्यान करोगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण देहात्मना संस्थित एव, देह के साथ में अपने को आत्मा के रूप से अपने देह को स्वीकार कर लेना। पिछले किसी टॉक में हम लोगों ने बात की थी स्वस्थ के बारे में, स्वस्थ, आज भी थोड़ी उससे जुड़ी हुई बातें हैं।
स्व का अर्थ होता है आत्मा, स्व माने आत्मा, इसी से स्वयं बनता है, स्वयं माने अपने आप। लेकिन इस स्व के चार अर्थ होते हैं संस्कृत व्याकरण में, इस स्व के चार अर्थ होते हैं। एक स्व का अर्थ होता है सीधे आत्मा, जिसको आप आत्मा समझते हो, सोल। स्व का दूसरा मीनिंग होता है शरीर, शरीर भी स्व का मीनिंग है। तीसरा मीनिंग होता है आपके जो लोग हैं जिन्हें आप अपना मानते हो, परिवार, सोसाइटी, फ्रेंड्स, कंट्री, जो कुछ भी आप समझते हो, जिनको आप समझते हो आपके लोग हैं, वे भी स्व का मीनिंग है। और चौथा अर्थ होता है आपकी संपत्ति, उसमें आपका घर, आपके पैसे, बैंक बैलेंस, जो कुछ गाड़ी, जो कुछ भी आप पजेस करते हो, वो सब उसमें आ जाता है। तो खेल कहां से शुरू होता है कि पहला जो सो है जिसका अर्थ होता है आत्मा, वो पूर्ण है, कंप्लीट है। उस आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, हो नहीं सकती, पूर्ण में कैसे इच्छा होगी, क्या चाहिए, पूर्ण कैसे आप है? तो वो जब स्व का अर्थ होता है आत्मा, वहां पर उसमें कोई भी इच्छा नहीं है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है, जो दूसरा मीनिंग है स्व का अर्थ होता है शरीर, शरीर, शरीर। अब आप समझ गए कि शरीर से हम दोनों शरीर समझ लेते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, सटल बॉडी, ग्रास बॉडी, दोनों ही। वे भी सब स्व का अर्थ है, स्व का मीनिंग है। तो जब हम इस लेवल में स्व को ले आते हैं, यहां से डिजायर, इच्छाएं पैदा हो जाए कि कोई भी शरीर कंप्लीट नहीं होता है, शरीर की अपनी आवश्यकताएं होती है, शरीर की अपनी जरूरतें होती है, उसके लिए आपको चीजें चाहिए। तो अब ये शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, वे दोनों ही शरीर की रिक्वायरमेंट है, कि ये पूर्ण नहीं है, इनका होना, इनका खत्म हो जाना, इनका बढ़ना, भूख प्यास, ये सब शरीर की जरूरत है। तो जब हम स्व का अर्थ शरीर समझ लेते हैं, यहां से इच्छाएं शुरू हो जाती। अब सेकेंड मीनिंग आ गया, इच्छाएं पैदा हो गई जब हमने उसको शरीर समझ लिया। यहां के बाद दो मीनिंग और आपको समझने हैं। एक समझना है जिन लोगों के साथ आप हैं, उसमें आपके शत्रु भी है, आपके मित्र भी है, वे सब शरीर की आवश्यकताएं, शरीर की जरूरतें। शरीर को शत्रु भी चाहिए, शरीर को मित्र भी चाहिए, माता भी चाहिए, पिता भी, पूरी फैमिली, पूरा सोसाइटी, सब चाहिए शरीर। तो अब ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। धीरे धीरे मेरे लोग में से मेरे हट जाता है, मैं हो जाता है। अब ये जो स्व है, ये तीसरी लेवल में चला गया, तीसरे लेवल में चला गया। इसमें जाकर के और इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। अब आप केवल अपने शरीर के लिए नहीं,
आपको जो आपके लोग हैं उनके लिए भी कुछ चाहिए, आपके जो लोग हैं उनके लिए भी आपको कुछ करना है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसके लिए फिर और थोड़ा आगे बढ़े, जब थोड़ा और आगे बढ़े तो चौथा स्टेज आता है इसका, उसका अर्थ हो जाता आपकी प्रॉपर्टी, आपका पोजीशन, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, आप इकट्ठा करेंगे। धीरे धीरे ये मेरी संपत्ति ऐसा भाव हट जाता है, संपत्ति के साथ इतना तादात्म्य हो जाता है, ऐसा अपनापन हो जाता है, ऐसा लगा कि संपत्ति अलग नहीं, मैं ही संपत्ति। मैं ही संपत्ति, मकान खत्म हुआ ऐसा लगा मैं ही खत्म हो गया। अब इतना तादात में बढ़ गया तो अब हमारी समस्याएं क्या हुई कि हमने कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी की, उसके साथ में तादात में पैदा हुआ, तादात में के साथ अब उसकी सुरक्षा करने के लिए और संपत्ति इकट्ठा करो, फिर बाद में रखो, सिक्योरिटी बनाओ। तो जैसे हमने संपत्ति की, संपत्ति को बचाने के लिए और संपत्ति चाहिए, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी कैसे करें, उसको बचाने के लिए और बड़ी सेना चाहिए, राजाओं को और बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती थी, और बड़ी बड़ी सेनाएं चाहिए थी उनको, क्यों चाहिए थे? उन्हें संपत्ति बचानी है, और संपत्ति बचाने के लिए और संपत्ति चाहिए थी। तो जब यह हुआ तो धीरे 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 पहले जो लेबल है उससे निकल करके शरीर में आया, यहां से इच्छाएं पैदा हुई, शरीर की अपनी सीमित इच्छाएं होती हैं, ज्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे शरीर से बाहर निकल करके यस्व हमारे लोगों में चला गया, ये मेरे लोग हैं, धीरे धीरे मेरे लोग खत्म, मैं और लोगों में तादाद हो जाता, फिर फर्क नहीं रहता। यदि कोई नजदीक का व्यक्ति को कुछ हुआ ऐसा लगता कि मुझे कुछ हो गया, इसी नजदीक के व्यक्ति को कुछ खुशी मिली तो हमको लगता है चलो मुझे खुशी हुई, उसको दुख मिला मुझे लगा मैं दुखी हो गया। अब हमारा जो स्वयं तीसरे में चला गया, और आगे बढ़ने के बाद मूढ़ता और आगे बढ़ी तो सारा का सारा हमारा जो स्वयं वो जाके संपत्ति के साथ में भी जुड़ जाता है। संपत्ति है तो मैं हूं, संपत्ति नहीं तो मैं नहीं हूं। इस प्रकार से शंकराचार्य बोलते हैं देहात्मना संस्थित एव कामी। जब पहला स्व अपने जगह से नीचे आया कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। विलक्षणा कामिता कथम स्यात्। अब यदि जो विलक्षण है, विलक्षण का अर्थ हुआ यहां पर जो देह आत्म के साथ में अपने को आत्मा शरीर के रूप में नहीं मानता, उसकी बात जहां तक करें उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है। अब फिर फर्क समझना, इसलिए कई बार कहना पड़ता है डिजायर नहीं है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती उसको, ठंडी नहीं लगती है, बीमार नहीं पड़ता, दवाई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। तादात में शरीर के साथ नहीं, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं हैं, तो शरीर की आवश्यकताओं के लिए शरीर के लिए जो हो सकता करेगा, शरीर के लिए जो चाहिए वो करेगा, परिवार के लिए जो हो सकता वो करेगा। और सही में अब ये ठीक से करेगा, अब ये आनंद लेके करेगा। अभी तक कर रहा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बर्डन है, करना पड़ेगा। आप अपने को गिल्टी फील करोगे, लोग आपको गिल्टी फील कराएंगे, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा पा रहा हूं,
लेकिन जब ये विलक्षण हो जाता है उसके बाद इसके करने का ढंग बदल जाता है। अभी हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ईश्वर के साथ शिकायतें रोज करते रहते हैं। क्यों करते हैं? हमारा सोचना कुछ और है, ईश्वर की विधान ईश्वर का कुछ और है, इसीलिए शिकायतें। लेकिन यहां पर कोई शिकायत नहीं है। काम इतक कथम स्यात्, अब कोई डिजायर नहीं, ईश्वर की इच्छा मेरी इच्छा, जो कुछ हो रहा वही मैं चाह रहा हूं। देखो आप जो हो रहा है, जो हुआ यही मैं चाह रहा था। कैसे दुखी हो पाओगे आप दुखी तब होते हो जो आपने चाहा हुआ नहीं, जो आपने चाहा मिला नहीं, क्योंकि आपकी चाह अलग थी, ईश्वर की इच्छा अलग थी, और इस संसार में ईश्वर की इच्छा ही होगी। बर्डन फ्री लाइफ, कोई बर्डन नहीं, जो मिला यही मैं चाह रहा था, जो हुआ यही मैं चाह रहा था। आप कैसे दुखी होंगे? आपको दुखी होने का कोई तरीका ही नहीं है, फिर आप क्यों चिंतन करेंगे किसी विषय का? आप क्यों चिंतन करेंगे किसी विषय का? मुझे ये मिल जाता तो ऐसा होता, ये मिल जाना चाहिए मुझे, ये मिल जाना ऐसा वैसा, आप क्यों चिंतन करेंगे? चिंतन वह व्यक्ति करता है जिसे आप प्राप्त है, और प्राप्त होने के बाद में भी जो उपयोग नहीं कर सकता। डायबिटिक चीजें उपलब्ध है, उपयोग नहीं कर सकता है, चिंतन करेगा क्या बढ़िया स्वीट है, क्या अच्छा है, अंदर से बहुत इच्छा हो रही, खा सकते नहीं। अब यदि कोई आदमी खा लेता, खाने के बाद हो गया, आप थोड़ी चिंतन बैठ के करेगा, आनंद आ गया, खत्म बात। विलक्षण काम इतक कथम स्यात्। शंकराचार्य पूछते हैं, आप खुद सोचो कि जो व्यक्ति देहात्म से अलग हो गया उसके अंदर अब वो तो आत्म पहला वाला सो हो गया, सेल्फ स्वरूप आत्मस्वरूप, तो उसकी तो इच्छा ईश्वर के साथ मिली हुई, ईश्वर का संकल्प आनंद के साथ उठाओ, ईश्वर की इच्छाओं को आदर करो, ईश्वर की इच्छा का सम्मान करो, अपनी इच्छा को ईश्वर के साथ मिला के देखो। दुख होने का कारण ही नहीं है। अतो अर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रशक्त्या भवबंध हेतु। शंकराचार्य बात को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए अर्थ संधान परत्व, विषयों का चिंतन, अरे ईश्वर हमारा दुश्मन नहीं है, ईश्वर इतना नासमझ भी नहीं कि पदार्थ बनाए और सोचे कोई भोगे नहीं इनको, क्यों बनाए, क्या जरूरत थी बनाने की? यदि पदार्थ जहर है, ये पदार्थ नरक है, ईश्वर क्यों बनाए इनको? शत्रु नहीं है ईश्वर, असंकल्प इस संसार में चलेगा, संसार ईश्वर का है। तो जब आप उपयोग करके ईश्वर को धन्यवाद कह दीजिए, बात खत्म हो जाती यहीं पर। आजकल आपको पता है कि आप गए, किसी ने कुछ दिया, थैंक यू वेरी मच कह दिया, बात खत्म, यहीं खत्म कर दो, इसीलिए थैंक यू, ईश्वर ने आपको दिया, थैंक यू, कोई कंप्लेन नहीं, थैंक यू के साथ चैप्टर क्लोज। ईश्वर को भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए तुमसे, थैंक यू बोल दिया, बात खत्म हो गई। ये विषयों का चिंतन करने लग गया कोई व्यक्ति, जो ईश्वर की सृष्टि नहीं आपकी सृष्टि है,
विषयों के चिंतन में लगे होने से वो संसार अलग अलग तरीके से आपके सामने आएगा। बार बार विषयों का जो चिंतन है वो फिर संसार को भवबंध हेतु, यह संसार में बंधन का कारण है। अगला मंत्र देखिए, कार्य प्रवर्धना बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते कार्य नाशात बीज नाशस्तस्मात् कार्यम निरोधयेत। अर्थ देखिए, कार्य बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज का भी नाश हो जाता है, इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। क्रम है, सीक्वेंस है। यहां पर हम बात कर रहे हैं विषयों का चिंतन। शंकराचार्य जी दूसरे एंगल से इस बात को अलग तरीके से थोड़ा बताते। एक नियम है जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं और कहना चाहिए हम वही जानते हैं, और वो है कार्य कारण भाव, कॉज एंड इफेक्ट। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आता कोई ना कोई इसका कारण तो होगा, कॉज एंड इफेक्ट। किसी व्यक्ति को देखेंगे, किसी पदार्थ को देखा, इतना सुंदर कोई बिल्डिंग हमने देखी तो सवाल उठ के बनाया किसने, किसने बनाया, कोई तो है जो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन किसी ने तो बनाया। तो जब आप किसी चीज को देखते हैं कार्य के रूप में तो आप कारण को समझने की कोशिश, कोई तो कारण होगा, आप जानो मत जाओ, लेकिन अनकॉन्शियस में एक चीज अंदर आ जाती है कि कुछ तो हुआ, कोई तो कारण होगा। और जब कोई कारण है तो कार्य भी होगा। तो कार्य कारण, लेकिन जब आप हिमालय देखोगे तो ऐसा विचार नहीं करोगे ईश्वर भी कहीं तो होना चाहिए। पानी देखा तो ऐसा विचार नहीं करते परमात्मा होना चाहिए, नहीं तो पानी बना कैसे। लेकिन कार्य कारण भाव और इफेक्ट प्रिंसिपल हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि हमने जिसको भी देखा, हमने जिसको भी जाना है, हर किसी को हमने इसी तरीके से जाना है, या तो कार्य के रूप में या कारण के रूप से। अब आप उस सिद्धांत को यहां पर थोड़ा अप्लाई करके देखिए। कार्य प्रवर्धना बीज प्रवृद्धि, कार्य के बढ़ने से उसका कारण बढ़ता है, कारण बढ़ने से कार्य बढ़ता है। इसको आप ऐसे समझिए, शंकराचार्य जी ने जो शब्द यहां रखा है वो रखा बीज, बीज का अर्थ सीड। आप जमीन में कोई बीज डालते हैं उससे कोई पेड़ पैदा होता है, और उस पेड़ का असली उद्देश्य क्या है, असली मकसद क्या है। बहुत सी चीजें उससे आप समय आपको मिलती है, आपको उससे लकड़ी मिलेगी, पत्ते मिलेंगे, फूल मिलेंगे, स्मेल मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जिसकी आजकल बड़ी जरूरत लोगों को, बहुत कुछ मिलेगा। पेड़ को इस सबसे ज्यादा लेना देना नहीं है, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य है बीज को उत्पन्न करना, बीज को पैदा करना, बीज उसका अंतिम परिणाम है, बीज का अंतिम परिणाम बीज है। जो आपने एक जमीन में बीज डाला था उसका अंतिम परिणाम क्या है, अंतिम परिणाम उसका बीज है। वहां जाके वो प्रक्रिया खत्म हो जाती है, वहां पर बहुत सारे बीज और पैदा हो जाएंगे। एक बीज डाला उससे लाखों लाखों बीज पैदा हो गए। पेड़ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पेड़ अपने को निरंतर जीवित रखने की प्रक्रिया चालू रखता है, और ऐसे रह नहीं सकते,
कोई पेड़ 100 साल रहेगा, 200 साल रहेगा, 1000 साल रहेगा, खत्म तो हो जाएगा। लेकिन पेड़ खत्म होने के पहले कुछ ऐसी संभावना छोड़ देता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दे देता है कि और बहुत सारे पेड़ पैदा हो जाएंगे। फिर उनसे और वृक्ष पैदा होंगे, और वृक्ष पैदा होंगे। कार्य प्रवर्धना बीज प्रवृत्ति, आपने एक बीज डाला वो पेड़ बना, उससे लाखों लाखों और सारे बीज पैदा हुए। यहां पर अब यदि इस प्रक्रिया को रोकना है आपने, अभी एग्जाम्पल की तरह रास्ते में कोई आदमी जा रहा, उसने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, एक थप्पड़ मार दिया, सामने वाले को गुस्सा आएगा, उसने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, डबल हो गया, इसने उसको 4 मारे, उसने उसको 8 मारे, ये 150 थप्पड़, 25-50 थप्पड़ खाने के बाद दोनों चुप हो गए। कब तक मारते रहोगे? अनंत काल तक तो नहीं मार सकते। अब ये तुम्हारे ऊपर कि कितने थप्पड़ खाने हैं, कितनी गाली खानी है, ये तो अप टू यू। आप सोचो कि आपको कितनी गालियां खानी है, कितने थप्पड़ खाने। अनंत काल तक ना कोई शत्रु हो सकता है, ना कोई मित्र हो सकता है, ना कोई मारा जा सकता है, ना कोई मर सकता, ना गाली दी जा सकती है। शंकराचार्य कहते बुद्धिमानी है आप बीच में से विड्रॉ कर जाओ, जितनी जल्दी संभव हो, जितनी जल्दी संभव हो आप इस प्रक्रिया को खत्म करो। 1-2 थप्पड़ खा के ठीक है, आप 2-4 थप्पड़ मार लिया, उसने मार लिया, खत्म करो, आपकी मर्जी। आप 20 थप्पड़ खा के जाओ, 100 थप्पड़ मारो, कितना खाना चाहते हो, ये तो एंडलेस है। कभी तो कभी रुकना ही पड़ेगा। इस प्रक्रिया को आप जितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं उतना आपका नुकसान कम है, उतना कष्ट कम है, उतनी पीड़ाएं कम है। कार्य प्रवर्धना बीज प्रवृत्ति, 1 थप्पड़ मारा, आगे से 2 आए, आपने 4 मारे, आगे 60 आए, और ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए कार्य नाशा बीज नाशा तस्मात् कार्यम निरोधय, शंकराचार्य बोलते कार्यम निरोधय, रोको इसको, कोई अंत नहीं है। आप कितनी दूर तक ले जा सकते हैं इसको, कितना कष्ट उठाने के बाद आप रुकते हो। बीज है तो पेड़ पैदा होंगे, पेड़ है तो बीज पैदा होगा, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। आप चिंतन करेंगे विषयों का, इच्छाएं पैदा होंगी, इच्छाएं पैदा होंगी, और चिंतन करो, चिंतन परमात्मा का करो, ईश्वर की जैसी पदार्थ वस्तु को आप अपने चित्त में डालो जो वहां पर हो सकती है। पदार्थ वहां हो नहीं सकते, आप केवल सोच सकते हो, ईश्वर वहां हो सकता है, ईश्वर वहां प्रकट हो सकता है, कोई पदार्थ वहां प्रकट नहीं हो सकता। तो कार्य के बढ़ने से कारण बढ़ेगा, कारण के बढ़ने से कार्य बढ़ेगा, ये चलता रहेगा, आज तक चल रहा है। तस्मात् कार्यम निरोधयेत, इसलिए तुम इस कार्य को रोको, इस कार्य को रोको, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारे लिए उचित है। अगला मंत्र देखिए, वासना वृद्धता कार्यम, कार्य वृद्धिया च वासना वर्धते सर्वथा पुंसा संसारो न निवर्तते। अर्थ देखिए, वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है, कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है, इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। पहले एक शंकराचार्य जी ने कॉमन बात कही थी, कार्य कारण,
सर्वनाम, किसी के साथ में भी आप इसको जोड़ सकते हो, कार्य कारण। अब उसको किस किस पर्पस से कहा जा रहा है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, उस बात को अब यहां लेकर के आए। वासना वृद्धिता कार्यम, कार्य वृद्धिया च वासना। कार्य के बढ़ने से वासनाएं बढ़ती हैं, वासनाओं के बढ़ने से कार्य बढ़ते हैं। एक दूसरे का साथ है इनके साथ। वासना का अर्थ संस्कृत में आपने देखा है, वासना का अर्थ इच्छा भी होता है, वासना का अर्थ संस्कार भी होते हैं। संस्कार भी कुछ नहीं, पहले की दबी वासनाएं, इच्छाएं तो वासनाएं। तो जब कोई व्यक्ति वासनाओं के द्वारा कार्य करता है, वासनाएं, अब पहले वाली चीजों को जोड़ के रखेंगे समझ में तब आएगा कि जब तादात्म्य शरीर के साथ में है और हम कोई काम करते हैं, हम काम इसलिए करते हैं कि शरीर के साथ हमारा तादात्म्य। आप ठीक से विचार करके देखना, 24 घंटे में आप जितने भी काम करते हैं उस शरीर के लिए कितने करते हैं। आप बोलोगे भी कोई सवाल है, और करें किसके लिए? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सारे के सारे काम किस लिए होते हैं? शरीर के लिए। शरीर के लिए सोते हैं, शरीर के लिए जगते हैं, शरीर के लिए खाते हैं, शरीर के लिए नहाते हैं, शरीर के लिए कमाते हैं, क्रोध करते हैं, शांति में जाते हैं। तो हमारा हर एक कार्य उसका केंद्र बिंदु शरीर है। हर एक कार्य का जो केंद्र है उसका नाम शरीर है। तो जब शरीर के लिए आपकी हर पूरा का पूरा 24 घंटा है, और आजकल तो और ज्यादा लोग शरीर पर सोचने लग गए। एक समस्या हो गई, पहले लोगों को खाने नहीं मिलता था, वो समस्या थी, अब लोग मोटे हो जाते हैं और समस्या खड़ी हो गई। हमेशा तो जब कार्य आप शरीर के लिए करेंगे तो आपकी सोच भी शरीर के लिए शुरू हो जाएगी। हमारा उठना, हमारा जगना, हमारा बोलना, हमारा भागना, हमारा बैठना कहां पर टिका हुआ है, उसका सेंटर क्या है? और उसका सेंटर है हमारी बॉडी। तो जब हमारी सारी चीजें, हमारी सारी एक्टिविटी शरीर के लिए होंगी तो हमारी आगे सोच भी शरीर के लिए होगी। और एक नई सोच को पैदा करेगी, वो भी शरीर के लिए पैदा करेगी। वासना वृद्धिता कार्य वृद्धि। तो हमारे सारे के सारे कार्य, आप ठीक से विचार करो, आप थोड़ा भगवान की पूजा करते हो, मंदिर रखा है, आधा घंटा चले गए, ऐसा लगता हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, काफी उपकार किया भगवान के ऊपर में, एक घंटा चले गए फिर तो बड़े धार्मिक हो गए। लेकिन 24 घंटे हमारे जितने भी कर्म हैं, कार्य मतलब एक्टिविटी, उनका सेंटर क्या है? उनका सेंटर हमारा शरीर है। कुछ सीधे हो सकती हैं, कुछ सीधे नहीं है। लेकिन आप जब इनडायरेक्टली घूम करके विचार करके देखोगे तो आगे शरीर पर ही खत्म होगा। कार्य शरीर के कारण हुआ है, खाना भी शरीर के कारण है, नहीं खाना भी शरीर के कारण है, सोना भी शरीर के लिए, नहीं सोना भी शरीर के लिए, सब कुछ। उसके कारण क्या होगा? वासना वृद्धि। फिर आप नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग करोगे, कल का ये खाने का मेन्यू होगा, परसों ये होगा, फिर ये खाएंगे, फिर ये। अब एक लंबी की लंबी लिस्ट, वासनाओं की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं करे शरीर के बारे में सोचो मत,
ऐसा नहीं कह रहे शरीर पर ध्यान मत दो, लेकिन ऐसा जरूर कह रहे हैं कि शरीर पर ही मत ध्यान दो, उससे थोड़ा आगे तो बढ़ो। वासना वृद्धिता कार्य वृद्धि, उसके लिए और शरीर को चाहिए तो और हम काम ज्यादा करते, हमको और बड़ा खर्च चाहिए तो और काम करना पड़ेगा, शरीर को अमुक अमुक चीजें चाहिए तो और कार्य पैसे चाहिए और काम करना पड़ेगा। ये जो क्रम चल रहा है वासना वृद्धिता कार्य वृद्धि, कार्य वृद्धि आचा वासना, और जैसे ही कार्य बढ़ेगा वासनाएं बढ़ेंगी, वासनाएं बढ़ेंगी तो और काम करेंगे। इसका अंत कहां है, इसका अंत कहां है? इसलिए बहुत तरीके से लोग कोशिश करते हैं कि अपनी आवश्यकताएं थोड़ी कम कर ले। ऐसा नहीं कह रहे कि आप शरीर को ध्यान मत दो, शरीर को खाना मत दो, भूखे रह जाओ, लेकिन आपके पास वो चीजें हैं कि आपका शरीर ठीक से रह सकता है। ऐसा भी नहीं कह रहे आप आगे कमाओ मत, ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन आपके कमाने का आपके करने का उद्देश्य क्या है? यदि शरीर ही है, शरीर के कारण आपने थोड़े पदार्थों को इकट्ठा किया वो भी उतने दुखदायी होंगे जितना कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि केंद्र जो सेंटर है वो शरीर है। तो वासना वृद्धिता कार्य वृद्धिया, कार्यम कार्य वृद्धिया च वासना वर्धते सर्वथा पुंसा। शंकराचार्य जी बोलते हैं ये क्रम चलता रहता है, क्रम चलता रहता है, इसी का नाम संसार है। आपने इतना काम कर लिया शरीर के लिए, इस शरीर में नहीं भोग पाए तो फिर दूसरा लो, इतना काम आपने कर लिया, इतनी वासना इकट्ठी हो गई, इतनी तो जो स्थूल पदार्थ हो तो छूट जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आपके सूक्ष्म पदार्थों का कलेक्शन इतना ज्यादा हो गया जो बच गया, उसके लिए और शरीर ले लो। फिर उसमें जाने के बाद वही प्रक्रिया फिर आगे चालू है, वहां भी कहां शांति से बैठ के भोग रहे हैं, वहां भी और आगे आगे एक्टिविटी चल रही और आगे भोग रहे हैं, आगे फिर कर रहे हैं, आगे फिर चल रहा है और आगे शरीर ले लो। ये क्रम, इसी का नाम शंकराचार्य बोलते संसार है। संसार हो न निवर्तते, निवर्त होगा किससे? अभी तो और एक्टिविटी बढ़ा दे और मोटिवेट हो गए, मोटिवेट हो जाओ, कर्म करो, बहुत कर्म करो। वेद भी कहता है, वेदों में लिखा है अयम में हस्ता भगवान, ये मेरा हाथ भगवान है। सूर्य को देखो, चरय वेति चरय, सूर्य निरंतर चलता रहता है, वेदों के मंत्र है, सूर्य निरंतर चलता रहता है। आलसी होने को नहीं कह रहे, ये आपका जो हाथ अयम में हस्ता भगवान, अयम में हस्ता भगवत तरा, ये भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ये आगे काम बढ़ाएगा तब भगवान आपको सपोर्ट करेगा। तो वेद ऐसा नहीं कहता आप आलसी हो जाओ, लेकिन आप अपने कर्म करने का जो सेंटर है वो थोड़ा हटाओ। यदि आपके कर्म करने का सेंटर केवल शरीर रहेगा तो शरीर के हिसाब से वासनाएं बनेगी, वासनाएं बनेगी, उन वासनाओं का फल भोगने के लिए फिर आप और शरीर लीजिए, उन वासनाओं का फल और शरीर लीजिए, उन शरीर में लेके फिर शरीर के केंद्रित काम खाएंगे, फिर आगे फिर और दूसरे के दूसरे फिर वासनाएं पैदा होंगी, संसारो न निवर्तते। इस प्रकार से जन्म भी आएंगे, इस प्रकार से मृत्यु भी आएगी, इस प्रकार से सुख भी होंगे, थोड़े दुख भी होंगे, ये सब संसार जिसको आप बोलते हो उस सब कंटिन्यू रहेगा। जिसको संसार नाम दिया है उसका एक ही कारण है,
हमारे कर्म कर्म नहीं, ध्याने रहे, कर्म नहीं, पदार्थ नहीं। यदि हम अपने समस्त कर्मों को शरीर के साथ जोड़ देते, पर्टिकुलर शरीर के साथ जोड़ देते हैं, उनसे वासनाएं वासनाएं संसार के प्रति लेके चल देती है, और संसार निरंतर निरंतर जैसा आज तक चल रहा है, अब तक चल रहा है इसी गलती से, इसी कारण से। शंकराचार्य करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शंकराचार्य ने अपने 32 साल की आयु में इतने कर्म किए, इतनी एक्टिविटी की है, इतना कर्म करने के लिए आदमी को कम से कम 500 साल चाहिए। उस समय साधन नहीं थे तो भी, आलसी की बात नहीं, लेकिन कर्म करने का आपका सेंटर क्या है, आपका केंद्र क्या है? यदि केवल शरीर है तब वासनाएं पैदा होंगी और फिर आगे कार्य होंगे, वासनाएं होंगी, इस प्रकार संसार निरंतर बढ़ता रहेगा। शंकराचार्य सावधान करते इसको यहीं पर रोक दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।